أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे मौजूद खवादीनों हज़रात और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आपको मेरे चैनल इस्लामिक स्टोरीज टाइम में खुश आमदीद। आज हम आपको कुरान करीम की सच्ची कहानी ऊँटनी का कत्ल, कौम सालेह की नाफरमानी और इज़ाबे इलाही का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। आले समूद इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ना थे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाने के लिए उनसे मुतालबा किया, अगर तुम वाकई अपने परवरदिगार के भेजे हुए नबी हो तो कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो हमारी अक्लो समझ से मावरा हो। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगों, कहीं ऐसा न हो कि वाज़ेह निशानी देख लेने के बाद भी तुम अपनी हट धर्मी पर कायम रहो और कुफर तर्क न करो। कौम के सरदारों ने वादा किया कि अगर तुम हमारे मुतालबे के ऐन मुताबिक निशानी दिखाओ तो हम तुम्हारी सदाकत पर ईमान ले आएंगे। मुतालबा किया कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है इससे एक ऐसी ऊँटनी नमूदार करो जो इसी वक्त बच्चा जने और दूध भी दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, अल्लाह ताला ने अपने बुरगजीदा नबी की दुआ कबूल फरमाई और पहाड़ फट गया और इस पहाड़ में से इंतहाई खूबसूरत ऊँटनी बाहर निकली। ऊँटनी ने पहाड़ में से निकलते ही बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा ऊँटनी के थन से दूध भी पीने लगा। हक व सदाकत की ये वाज़ेह निशानी देखकर कुछ लोगों ने तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मगर बहुत से लोगों ने इसे खुला जादू करार देकर अपनी मुखालफत जारी रखी। अल्लाह की ऊँटनी भारी जिस्म और बड़े डैल डोल की ऊँटनी थी। जब वो पानी पीने के लिए कुएं में सर घुसाती तो कुएं की तय पानी से खाली कर देती। वादियल कुरा के लोगों को दौलत, कुवत और सरदारी सब कुछ हासिल था, लेकिन वहाँ पानी का एक ही चश्मा था। जब ऊँटनी ने इस चश्मे का सारा पानी पीना शुरू कर दिया तो हर तरफ पानी की किल्लत का शोर मच गया। लोगों को पानी हासिल करने में तंगी होने लगी। कौम समूद के लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अलैहिस्सलाम इस ऊँटनी और इसके बच्चे को बांध कर रखें, अगर इसने ऐसे ही पानी पीना ना छोड़ा तो हम और हमारे बच्चे प्यास से हलाक हो जाएंगे। अगर आपने हमारी इस बात पर तवज्जा ना दी तो हम इस ऊँटनी और इसके बच्चे को हलाक कर डालेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनकी बात सुनी और फरमाया कि ए लोगों, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है और ये तुम्हारे मुतालबे पर भेजी गई है। अल्लाह के हुक्म से एक दिन चश्मे से ये पानी पिया करेगी और दूसरे दिन तुम लोग चश्मे से फायदा लोगे। अगर इस ऊँटनी की बारी के दिन तुमने पानी हासिल करने या इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो जान लेना कि तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद से वादा लिया कि वो ऊँटनी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को खबरदार करने के लिए ये पेशन गोई फरमा दी थी कि लोग ज्यादा अरसा तक वादे की पाबंदी नहीं करेंगे और ऊँटनी को मार डालेंगे। कौम समूद के कुछ लोगों ने मौका पाकर ऊँटनी की कूंछें काट डाली और जख्मी ऊँटनी जमीन पर गिर गई तो मिलकर इस ऊँटनी को हलाक कर दिया। ऊँटनी का बच्चा ये मंजर देखकर पहाड़ की जानिब भागा और हुक्मे इलाही से इसमें रूपोश हो गया। ऊँटनी के कत्ल की खबर आनन फानन हर तरफ फैल गई। लोग हजूम दर हजूम वहाँ जमा हो गए और ऊँटनी के मुर्दा जिस्म को देखने लगे। कुरान करीम की सूरत आराफ आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने फरमाया,
پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے کہ اے صالح ہم پر لے آو وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس، قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا، تمہیں بس 3 دن کی مہلت ہے۔ جب تیسرا دن ڈھلا تو اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا وہ اہل ایمان کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جائیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی اور وادی القرا سے روانہ ہو گئے۔ جب رات کی سیاہی چھائی تو آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور خوفناک بجلیاں کڑکنے لگیں۔ ایسی دہشتناک گرج پیدا ہوئی کہ قوم سمود کے دل پھٹ گئے اور طاقت کے نشے میں چور قوم ایک ہی ساتھ میں ہلاک و برباد ہو گئی۔ ان کے محلات پر بجلیاں گرتی نہیں اور ہر چیز جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ نے اس بستی کے مکینوں کا وجود تک مٹا ڈالا تھا، بس تراشے ہوئے پہاڑ باقی رہ گئے تھے جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں یعنی ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔